आज हम कक्षा 9 एकम 10 जिसका शीर्षक है भारत गौरव, उसके बारे में अभ्यास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं उसके साहित्य स्वरूप और कवि के बारे में। शीर्षक भारत गौरव, साहित्य स्वरूप कविता, कवि है मैथिली शरण गुप्त और मूल कृति है भारत भारती। यहां पर बताया गया है भारत के गौरव के बारे में। सबसे पहले जानते हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में। मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की बात अपने काव्य में प्रस्तुत की है, इसी कारण उसे राष्ट्र कवि से संबोधित किया जाता है और इसी कारण 1954 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। यहां पर बताया गया है मूल कृति भारत भारती और इसके आधार पर भारत गौरव में भारत के अतीत, वर्तमान और उसके साथ साथ ही भविष्य का चित्रण बताया गया है। हमारा भारत देश प्राचीन देश होने के बावजूद भी इस संसार का सिरमौर देश है। भारत के सभी नागरिकों को अपने देश पर मान एवं सम्मान है। जानते हैं काव्य के बारे में। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ? कवि ने बताया है भूलोक का गौरव, भूलोक यानी कि संसार और गौरव यानी कि प्रतिष्ठा। भूलोक का गौरव कौन है? और एक शब्द बताया है लीला स्थल। लीला स्थल यानी कि महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि, पावन भूमि। पूरे संसार में भूलोक का गौरव कौन है? पवित्र और महान पुरुष ऐसे कौन है जिन्होंने यहां पर जन्म प्राप्त किया है? फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहां। बताया है कवि ने फैला मनोहर, मन को हरने वाला, गिरी हिमालय, गिरी यानी कि पर्वत, कहां पर? पूरे संसार का सर्वश्रेष्ठ पर्वत यानी कि हिमालय कहां पर उपस्थित है? पूरे संसार की पावन नदी यानी कि गंगा, इसका गंगा जल कहां फैला हुआ है? संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उत्कर्ष यानी कि विकास। संपूर्ण देशों से पूरे संसार की यदि हम बात करें तो कई सारे देश हैं, लेकिन इन सभी देशों में सबसे ज्यादा विकास और उत्कर्ष किस देश का हुआ है? मैथिली शरण गुप्त ये प्रश्न हम सबसे पूछ रहे हैं। उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन है? ऋषि भूमि, जिस ऋषियों ने जहां पर जन्म प्राप्त किया है उस ऋषियों की भूमि कौन सी है? वह भारतवर्ष है। भारतवर्ष यानी कि भारत, हमारा हिंदुस्तान, उसका प्राचीन नाम भारतवर्ष कहलाता है। हमारा भारतवर्ष कैसी भूमि है? तो बताया गया है हमारा भारतवर्ष सबसे प्राचीन है। जहां पर लीला स्थल कहा जाता है, हिमालय जैसा पर्वत हमारे देश में उपस्थित है, गंगा जैसी पवित्र नदी का जल इसी भूमि से निकलता है, साथ ही साथ यह ऋषियों की भूमि है। ऐसा पूरे संसार में और कोई देश नहीं जो प्राचीन होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा उत्कर्ष किस देश का हुआ है? तो उसका सिर्फ एक ही उत्तर मिलता है और वह है हमारा भारत, भारतवर्ष और हिंदुस्तान। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का शिरमोर है। शिरमोर यानी कि सर्वश्रेष्ठ, सरदार, उत्तम। हमारा भारत देश वृद्ध है और वृद्ध होने के बावजूद वह पूरे संसार का सिरमौर और उत्तम देश माना जाता है। कहा जाता है जो जितना पुराना हो उसमें उतने ही अनुभव ज्यादा होते हैं। हमारा भारत देश भी ऐसा ही है, वृद्ध है और वृद्ध होने के बावजूद भी
हमारा भारत देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश कहलाता है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? पुरातन यानी कि प्राचीन, वृद्ध, प्राचीन और पुरातन देश पूरे संसार में कौन है? पूरे संसार में प्राचीन और पुरातन देश सिर्फ और सिर्फ एक ही है जिसका सबसे ज्यादा उत्कर्ष हुआ है, और वह है हमारा भारतवर्ष। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भवभूति यानी कि संसार का वैभव। यदि हम संसार के वैभव की बात करें तो पूरे संसार के प्राकृतिक तौर से देखा जाए, खनिज के तौर से देखा जाए, द्रव्य के तौर से देखा जाए, तो सबसे पहला भंडार हमारा भारत देश ही है। पूरे संसार की भवभूति, सौंदर्य, प्राकृतिक बाबत सभी में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई देश है तो प्रथम देश भारत को ही माना जाता है। विधि ने किया, विधि यानी कि ब्रह्मा, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। ब्रह्मा जी ने जब पृथ्वी का निर्माण किया तब नर सृष्टि यानी कि लोगों का जो प्रारंभ हुआ वह और कोई देश से नहीं हुआ है, यहीं से विस्तार करने का प्रारंभ ब्रह्मा जी ने किया है। यानी कि पूरी संसार में यदि हम बात करें तो ब्रह्मा जी ने भारत देश से ही निर्माण किया है नर सृष्टि का प्रारंभ। इसके साथ ही हम बात करें तो संसार के वैभव के बारे में, संसार की भवभूतियों के बारे में, पूरे संसार में भवभूतियों का प्रथम भंडार हमारा देश यानी कि भारतवर्ष ही है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। पूरे संसार में भारत कैसी भूमि कहलाता है? पूरे संसार में भारत पुण्य भूमि कहलाता है, पावन भूमि कहलाता है। और इस पावन भूमि पर किसका आवास होता था, इसके निवासी कौन थे? हमारे भारतवर्ष के सबसे पहले निवासी माने जाते हैं आर्य। इस पावन और पुण्य भूमि पर आर्य लोग निवास करते थे। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है, आचार्य यानी कि जिसका आचरण सर्वश्रेष्ठ है वह उसे आचार्य कहा जाता है। हमारे आचार्य कैसे कहलाते थे, किस किस बाबतों में वह निपुण थे, दो बाबत हमारे सामने प्रस्तुत हुई है, विद्या कला कौशल। हमारे भारतीय लोग विद्या के आधार पर और कला कौशल के आधार पर समग्र संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की कला, ये सारी बातें पूरे संसार में आज प्रसिद्ध है। हमारा भारतवर्ष इसी के आधार पर अपनी अनूठी निशानी छोड़ जाता है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, अधोगति यानी कि पतन। आर्य के जो निवासी है, आर्य के आधार पर हमारी संस्कृति की शुरुआत हुई थी, हमारी संस्कृति का प्रारंभ हुआ था, हम लोग उसी के आधार पर अपनी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। आर्य हमारे पूर्वज कहलाते हैं, हम उनकी संतान हैं। उनकी संतान आज पतन की दिशा की ओर आगे बढ़ रही है, लेकिन पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है करें, लेकिन उस आर्य के पद चिन्ह कुछ निशानी ऐसी भी है जो उच्चतम बातों को ही अपने जीवन में आगे बढ़ाते हैं, और उन्हीं के आधार पर हमारे जीवन में श्रेष्ठ बातों का ही ख्याल रखकर हम अपने संसार को आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ अपने संसार में भारत को ही नहीं, लेकिन पूरे विश्व के कई सारे ऐसे देश हैं जिसमें हम भारतीयों की विशेष छाप, निशानी आगे ही आगे बढ़ाने के लिए लोग बढ़ते रहते हैं। यदि हम बात करें
गूगल के सीईओ की तो सुंदर पिचाई एक भारतीय है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के बारे में बात करें सत्य नडेला तो यह भी भारतीय व्यक्ति ही है। और दुनिया में स्पेस संस्था नासा जो पूरे संसार की सर्वश्रेष्ठ अवकाशीय संशोधन संस्था है उसमें भी कल्पना चावला, राकेश शर्मा और सुनीता विलियम्स जैसे भारतीय लोग ही थे जिन्होंने पूरे संसार में हम भारतीयों का नाम गर्व से ऊंचा किया है। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। हमारे भारतीय लोगों की एक यही पहचान है कि हम अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए जीते हैं। यह आर्य लोगों की पहचान है कि वह दूसरों के लिए अपना जीवन जीते थे। वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। हमारे आर्य कभी भी स्वार्थ रत होकर मात्र अपना ही जीवन पसार नहीं करते थे। वह मोह माया ऐसी मदिरा शराब कभी नहीं पीते थे। वह सिर्फ यही सोचते थे कि हम इस संसार में रहकर दूसरे लोगों की भलाई कैसे कर सके और इसी के आधार पर अपना जीवन वह आगे ही आगे बढ़ाते थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, इस संसार के उपकार करने के लिए इस संसार में हमारे भारत देश में सब लोग जन्म ले रहे थे, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की मदद के लिए। निश्चेष्ट होकर, निश्चेष्ट यानी कि निष्क्रिय, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी? हमारे भारतीय लोग, हमारे आर्य लोग कभी भी निश्चेष्ट यानी कि निष्क्रिय होकर अपना जीवन नहीं जीते थे। हमारे भारतीय लोगों की एक पहचान है वह आगे ही आगे बढ़ते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति उसके सामने आए, बड़ी से बड़ी विकट समस्या भी उसके सामने आए तो भारतीय लोग उसका सामना करके उसमें से आगे निकल जाते हैं। यही हमारी भारतीय होने की परंपरा है। भारतीय लोग किसी भी परिस्थिति से डरते नहीं हैं, निष्क्रिय होकर वह कभी नहीं बैठते हैं। हमें इस काव्य से यही बात सीखनी है कि हम भारतीय हैं और भारतीय होने की वजह से हमें अपने देश पर गर्व है। हमें यही कार्य करना है कि अपनी शक्ति और बुद्धि चातुर्य से अपने देश को और आगे ले जाना है। संसार के सिरमौर देशों की यदि बात करें तो हमारा भारत इस दुनिया में सिरमौर है और उसका हमें गर्व है। अस्तु।